हेलो स्टूडेंट्स, चलो आज एक्सरसाइज में आगे चलते हैं। एक्सरसाइज 1.2 क्वेश्चन नंबर 9। टू स्टिच अ शर्ट 2 मीटर एंड 15 सेंटीमीटर क्लॉथ इज नीडेड। आउट ऑफ 40 मीटर क्लॉथ हाउ मेनी शर्ट कैन बी स्टिच एंड हाउ मच क्लॉथ विल रिमेन। ओके, दो चीज़ें फाइंड करनी है हमें क्वेश्चन के अंदर। फर्स्ट क्या है, तो 40 मीटर क्लॉथ में से हम 2 मीटर एंड 5 सेंटीमीटर वाले कितने क्लॉथ्स बना सकते हैं, एंड सेकेंड वन इज़ कितना क्लॉथ रिमेन रहेगा। अब बच्चों, अगर आपको एक चीज़ याद रखनी है कि आपको खास पहले ये समझना है ऑपरेशन कौन सा हमें करना है, तो सीधी सी बात है, आपके पास टोटल अमाउंट है और आपको इतने अमाउंट वाली चीज़ों में उसको कन्वर्ट करना है, यानी कि ये डिवाइड होगा इस नंबर से। ठीक है, ये टोटल है जो आप डिवाइड करोगे इस नंबर से, यानी कि आपको यहाँ पे ऑपरेशन करना है डिवीजन का। ठीक है, सिंपल है। तो अब देखो यहाँ पे यूनिट कौन से है, तो यहाँ पे 40 मीटर का यूनिट है, यहाँ पे 2 मीटर एंड 15 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे अगर दोनों अलग अलग यूनिट है तो आपके लिए ये थोड़ी दिक्कत की बात हो सकती है कि सर इसे हम सॉल्व कैसे करें। तो सिंपल है, पहले कन्वर्ट कर लो। चलो कन्वर्ट कर लेते हैं। शर्ट नीडेड क्लॉथ इज इक्वल टू 2 मीटर 15 सेंटीमीटर। अब हम इसे पूरा का पूरा सेंटीमीटर में अगर कन्वर्ट कर दें तो 2 मीटर, आपको पता है 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, देन 2 मीटर इज इक्वल टू 200 सेंटीमीटर। 200 सेंटीमीटर प्लस 15 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 215 सेंटीमीटर। चलो ये हो गया। टोटल क्लॉथ कितना है, 40 मीटर इज इक्वल टू 40 × 100 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 4 × 1 = 4 1 2 3 0। चलो हमारे पास शर्ट के लिए नीडेड अमाउंट भी है, टोटल अमाउंट भी है, सीधा सा क्या करना है, डिवीजन। चलो डिवाइड कर देते हैं। नंबर ऑफ शर्ट्स इज इक्वल टू टोटल अमाउंट डिवाइडेड बाय नीडेड अमाउंट ऑफ द क्लॉथ। ओके, तो हमें 4000 को डिवाइड करना है 215 के साथ। सिंपल है, कैसे करोगे सर, डिवीजन तो ऐसे ही किया जाता है, जिसको डिवाइड करना है वो अंदर, जो भी डिवाइड करने वाले जिस नंबर के साथ वो बाहर। हो गया, चलो डिवीजन करते हैं। तो 215 सब्ट्रैक्शन करो, यहाँ पे कट करके 10, यहाँ पे 9, यहाँ पे 3, 10 में से 5 तो 5, 9 में से 1 8, एंड 3 में से 2 तो कितना रहेगा 1 185। अब डिवाइड आगे नहीं चल सकता है तो आप ऊपर से 0 नीचे ले लो। चलो अब अगेन कौन से नंबर के साथ हम मल्टीप्लाई करेंगे, 215 8 ज़ा। ठीक है, कितना होगा 215 8 ज़ा, तो 8 5 ज़ा 0। चलो 0 में से 0 हो गया 0, 5 में से 2 जाएगा 3, 8 में से 7 जाएगा तो कितना रहेगा 1, एंड 1 में से 1 जाएगा तो 0। ठीक, तो ये बच्चों याद रखो, ये जो आया क्वेश्चन वो आपका क्या होगा,
नंबर ऑफ शर्ट। ठीक है, ये पूरा रफ वर्क है, आपको ये शो नहीं करने की ज़रूरत है, ये आप रफ वर्क में पीछे कर सकते हो। एंड यहाँ पे जो रिमाइंडर बचता है तो उसका मीनिंग क्या होगा कि हम टोटल क्लॉथ को डिवाइड करते 215 के साथ, तो ऐसे डिवाइड करते करते 18 कम्प्लीटली ऐसे नंबर मिल गया 215 वाले, यानी कि टोटल 18 शर्ट हम बना लेंगे, लेकिन इतना क्लॉथ क्या रहेगा बचेगा, यानी कि रिमेनिंग क्लॉथ। समझ में आ गया बच्चों? तो इसका आंसर कितना आया है, 18 इंटीजर रिमेनिंग, हम यहाँ पे दिखाते 130 डिवाइडेड बाय 215 है, तो इसका मीनिंग क्या हुआ, 18 कंप्लीट नंबर है 215 वाले और इतने अभी भी रिमाइंड रह रहे हैं। ठीक है, ये मिक्स्ड फ्रैक्शन पे से आप इतना पता लगा सकते हैं। चलो तो आंसर जो आया 18 इंटीजर, यानी कि आंसर क्या रहेगा, 18 शर्ट कैन बी स्टिचेड एंड 130, यानी कि 1 meter and 30 centimeter क्लॉथ विल बी रिमेन। ये हो गया आपका आंसर। आगे चलते क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 10, अ मेडिसिन इज पैकेड इन बॉक्सेस ईच वेटिंग 4 kg 500 ग्राम, हर एक बॉक्स का वेट कितना होगा 4 kg 500 ग्राम, हाउ मेनी सच बॉक्सेस कैन बी लोडेड इन अ वैन विच कैन नॉट कैरी बियॉन्ड 800 kg। चलो बच्चों, अ बॉक्स वेटिंग इज इक्वल टू 4 kg एंड 500 ग्राम, तो हम क्या कहते हैं पूरे नंबर को ग्राम में कन्वर्ट कर देते, 1 kg इज इक्वल टू 1000 ग्राम, यानी कि 4000 हो जाएगा, 4000 ग्राम प्लस 500 ग्राम इज इक्वल टू 4500, हो गया। अब वैन कैन बी लोडेड हाउ मच, 800 kg मैक्सिमम वैल्यू है, इससे ज़्यादा नहीं बढ़ सकते, ठीक है, लेकिन ये मैक्स है, 800 kg है, तो हम उसे ग्राम में कन्वर्ट कर दे अगेन इसकी तरह, 800 मल्टीप्लाई बी, तो मल्टीप्लीकेशन का आंसर कितना आएगा स्टूडेंट्स, 8 ones are 8, अब जीरोस काउंट कर लो 1 2 3 4 5 5 0। चलो ये हो गया, अब सिंपल है, आपको क्या करना है, तो सर आप वैन के अंदर टोटल इतना हम वेट कैरी कर सकते हैं और एक बॉक्स का वेट कितना है इतना, तो हमें काउंट करना है कि कितने बॉक्स अगर हम वैन के अंदर कैरी करने हैं या तो रख सकते हैं, तो सर हमें डिवाइड करने का पड़ेगा टोटल को, जितने नंबर चाहिए आपको उसके साथ। चलो तो लिखते हैं, नंबर ऑफ बॉक्सेस कैन बी कैरी इन वैन इज इक्वल टू 8 lakh divided by 4500। चलो सिंपल है, लास्ट जीरो क्या हो जाएगी, दोनों कट, यानी कि अब आपके पास 8000 divided by 49 है। चलो कर लेते हैं, फोर्टी फाइव सब्ट्रैक्ट करें क्या आएगा आंसर,
सब्ट्रैक्ट करने पे आंसर हमारा यहाँ पे आएगा तो 10, और यहाँ पे हो जाएगा 7, यानी कि 10 में से 5 जाएगी 5, 7 में से 4 जाएगी 3। चलो एक जीरो पीछे से ले लिया ये वाला। अब 45 के टेबल में 350, सिंपल है सर, इतना बड़ा टेबल तो हमें नहीं आता है, अभी तो हम 600 में टेबल नहीं आता है, तो आप मल्टीप्लाई करके काउंट कर सकते हो, आपको जो भी सही लगे आप कर सकते हो, ठीक है। चलो तो 45 जो है उसको मैं मल्टीप्लाई करता हूँ 7 से, चलो सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं, यहाँ पे 10, यहाँ पे 4, 10 में से 5 जाएगी तो 5, 4 में से 1 जाएगी 3, 3 में से 3 जाएगी 0। चलो ये वाला 0 नीचे डाउन कर देते हैं, अगेन 350 आया, 45 को 7 से करके 315, यहाँ पे फिर से आंसर आएगा 5, यहाँ पे आएगा 3। अब बच्चों चलो आपको तो पता चल गया कि ये आपका आंसर है, ठीक है, नंबर ऑफ बॉक्सेस, लेकिन सर ये रिमाइंडर का क्या करें, इतनी मेडिसिन बचेगी, ऐसा होगा। तो बच्चों खास ध्यान से सुन लेना, हमारा क्वेश्चन ऐसा था कि जो भी वैन है वो 800 केजी से ज़्यादा वेट कैरी नहीं कर सकती, यानी कि अगर हम 177 बॉक्सेस अगर कैरी करवाएंगे, ठीक है, तो भी 800 केजी जो था ये वाला वेट, उसमें अभी भी 35 ग्राम अभी भी वेट हम कैरी करने के लिए बचाए, यानी कि हमारे जो टोटल वेट है मेडिसिन्स के बॉक्स का वो 800 केजी से बाहर नहीं जाने वाला है, हमें तो उसके अंदर ही चाहिए, ठीक है। उससे ज़्यादा अगर वेट होगा तो वैन कैरी नहीं कर पाएगी, तो आपको तो उससे कम वेट रखना था, तो हमने अभी भी 35 ग्राम जितना वेट अभी भी कम ही रखा है, यानी कि हम कितने लोड कर सकते हैं, तो 177 बॉक्सेस, हम इतने बॉक्सेस वैन के अंदर लोड कर सकते हैं, फिर भी 35 ग्राम जो यहाँ पे रिमाइंडर आपके बच्चे आपको समझ जाने के, यानी कि अभी भी 35 ग्राम वेट हम कैरी कर सकते हैं वैन के अंदर, ठीक है, सिंपल है बहुत ही, सिर्फ मल्टीप्लिकेशन में खास ध्यान देना है या डिवीजन में भी, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन हम नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे।